हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेड फॉर वेल्थ ट्रेडिंग एकेडमी। टुडे इज 24th। काफी अच्छा दिन था आज, मतलब वोलाटिलिटी भी थी और चांस भी दिया आज ट्रेडर्स को ट्रेड करने के लिए। आज का एनालिसिस हम लोग देखते हैं कि कैसे करना है, कैसे था, मतलब आज क्या हुआ। फ्राइडे को मैं बना नहीं पाया था ड्यू टू गणपति फेस्टिवल एक वीडियोस, और थर्सडे को मैंने बताया था जिस दिन ये गैप डाउन हुआ था ना, उस दिन से मैं बुलिश था। जो लोग ने मेरा वीडियो नहीं देखा था आप जाके देख सकते हो। जब इसने ये सपोर्ट लिया था 11,300 का, एट दैट टाइम ओनली मैंने बताया था कि ये बुलिश है और एक 11,500 के टारगेट के लिए हम लोग, 11,400 एंड 11,500 के टारगेट्स के लिए हम लोग देखेंगे। जो लोग ने मेरा वीडियो देखा नहीं, आप जाके देख सकते हो लास्ट थर्सडे का एनालिसिस का वीडियो आफ्टर मार्केट जो मैंने बनाया था। इसके बाद उसके बाद क्या हो रहा था, मतलब डेली अगर आप देखोगे तो एक दिन दो तीन दिन का मैं सिनारियो, एक दिन ये गैप अप हुआ था, फिर कंसोलिडेशन था, फिर गैप डाउन हुआ सपोर्ट के यहाँ पे, पूरा दिन साइडवेज था, फिर गैप अप हुआ, पूरा दिन साइडवेज था, नेक्स्ट डे भी, आज जो भी कुछ हुआ, आज आज भी ये गैप अप हुआ और ये जो प्रीवियस डे का जो हाई था वहां पे उसने सपोर्ट लिया। दिखा एक डीप मारा उसने, बट वो सपोर्ट वहां पे लिया। तो प्रीवियस डे का हाई लो भी काफी इंपॉर्टेंट है था। ये थ्री कंसेप्ट में बहुत बार यूज करता हूँ, प्रीवियस डे हाई लो, गैंग लेवल्स और स्विंग हाई स्विंग लो। ये तीन का कॉम्बिनेशन मिला के फिर लेवल्स आते हैं जो मैं मेरे ट्रेनिंग प्रोग्राम में सिखाता हूँ। तो उसने ये यहाँ पे हाई लिया और यहाँ पे ये हर्डल था, ठीक है। जैसे ये हर्डल ब्रेक होने वाला था, आज मैंने टेलीग्राम पे भी बाय दिया था, आप जाके चेक कर सकते हो। ये 11,450 ये परफेक्ट स्क्वायर है। कल ही मैंने WD गैन स्क्वायर का एक एनालिसिस बताया था, अगर किसी ने देखा नहीं तो जाके देखो। मुझे पता था कि अगर ये स्क्वायर, ये परफेक्ट स्क्वायर अगर ब्रेक होता है तो एक अच्छा रैली मिलेगा, मतलब एक साइकोलॉजिकल लेवल 11,500 था, वहां तक गया वो, दिख रहा है 11,496.97। मैंने 450 के यहाँ पे बाय दिया था और टारगेट मेरा 495 था, बट उसने फ्यूचर में 525.15 तक हाई दिया उसने। तो ये और बाद में उसको टच करके डॉट टच किया उसने। अब इसको अगर हम लोग ये 15 मिनट्स में देखेंगे तो क्लियरली आइडिया मिलेगा। ये देखो, ये ऐसे कुछ तो था सिनारियो। तो यहाँ पे मैंने ये बाय दिया, जब ये रिट्रेस होकर नीचे आया और फिर से ऊपर आया तो भी मैंने बोला कि ये 450 के ऊपर फटेगा आज, और फटा ऑलमोस्ट, ठीक है। और पूरे टाइम साइडवेज था, अगर आप देखोगे तो लास्ट 3 डेज में इंट्राडे में ट्रेडिंग के लिए कुछ प्रॉफिट दिया नहीं, बट आज काफी बढ़िया बम्पर प्रॉफिट था। इवन बैंक निफ्टी में भी, बैंक निफ्टी आएगा तो मैं बता दूंगा। और यहाँ पे उसने ये सपोर्ट लिया और डॉट वहां पे जाके रुका, यहाँ पे दिख रहा है 11,500 का ये लेवल है, 11,000 ये साइकोलॉजिकल लेवल है, बट स्टिल आई एम बुलिश क्योंकि एक 11,300 का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बना के गया है। ये सपोर्ट है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। अभी इसके लिए ये 450 सपोर्ट का काम करेगा, 11,450 जो साइकोलॉजिकल लेवल भी है, दैट इज ट्रेजेक्टरी लेवल जो मैं बताता हूँ ज्ञान लेवल के हिसाब से। और अब उसने एंडिंग में उसने एक हैमर टाइप दिया, एक नीचे डीप दिया, लोगों को लगा कि भाई अभी कल तो गया निफ्टी है, बट इसने डीप देने के बाद फिर से एक जंप दिया। तो निफ्टी अभी ये 450-400 के लेवल के लिए मुझे बाई है। ये दोनों लेवल, ये जो दिख रहा है ये लेवल सपोर्ट का काम करेंगे अभी, और ये लेवल, ये 3 लेवल्स अभी सपोर्ट का काम है। ये 3 में से कोई भी एक लेवल पे अगर आपको बाय मिलता तो आप बाय करके चलोगे। 11,300 मेरा एक स्टॉप लॉस रहेगा। एंड अपसाइड में अभी अगर कल ये अगर 11,500 क्रॉस करता है तो एक बड़ा मूव पॉसिबल हो सकता है, बहुत बड़ा मूव, ठीक है। बहुत बड़ा मूवमेंट क्यों बोल सकता हूँ मैं, क्योंकि एक बहुत जो शॉर्ट्स किए हुए ट्रैप हुए, आज भी शॉर्ट बहुत जन ने होल्ड किए, उन्होंने निकाला नहीं, उन्होंने को लगता था कि एवरीडे के जैसा गैप अप करके डाउन आएगा, बट आज वैसे उसने किया नहीं है। तो ये कल जैसे ये गैप अप होगा ना, जो शॉर्ट करके बैठे या पुट्स लेके बैठे या कॉल्स को शॉर्ट करके बैठे, ये तीनों जन अपना पोजिशन निकालेंगे और ये बहुत बड़ा रैली देगा। अगर यही आपको ओआर डेटा एनालिसिस के हिसाब से देखना है, ओपन इंटरेस्ट के हिसाब से, तो अभी ये देखो यहाँ पे दिखेगा आपको, ये आज का क्लोजिंग भी काफी अच्छा दिया हुआ है। क्लोजिंग आपको पता रहेगा कि आज का क्लोजिंग उसने 11,450, मतलब उसके ट्रेजेक्टरी लेवल्स के ऊपर ही दिया हुआ है, तो ये काफी अच्छा लेवल है। जिनको ये ट्रेजेक्टरी लेवल पता नहीं, उन लोग पहले WD ज्ञान का जो मेरा कल का वीडियो था वो जाके देखो। ये मेरा स्पॉट लेवल अगर है, ये ATM है, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे यहाँ पे पूरा तो लॉन्ग बिल्डअप हो चुका है, कहाँ तक, 11,600 650 तक, और यहाँ पे भी शॉर्ट किया है।
मतलब पुट साइड में ये पी साइड है और ये सी साइड है। सी साइड में लोग लॉन्ग गए, लॉन्ग बिल्डअप हुआ है, और यहाँ पे शॉर्ट हुआ है, शॉर्ट बिल्डअप। मतलब अल्टीमेट इज अ बुलिश सिनारियो। ये बुलिश सिनारियो के लिए मुझे इंडिकेशन करता है, ठीक है। इसका डिटेल एनालिसिस मैं ट्रेनिंग में भी सिखा दो। लास्ट संडे अपना ओपन ऑप्शंस का बैच चालू है, एंड स्टूडेंट्स आर वेरी वेरी हैप्पी। आज उन्होंने उनका फीस भी बहुत जन ने रिकवर कर लिया। दोज आर स्टिल इंटरेस्टेड, आप ज्वाइन हो सकते हो। कल का जो लेक्चर है वो आपके लिए एक्स्ट्रा लेके लिया जाएगा, और फिर आप कंटिन्यू कर सकते हो ये बैच में। देखो, लर्निंग बहुत इंपॉर्टेंट है स्टॉक मार्केट में। जो लोग लर्निंग नहीं करना चाहते वो लोग सर्वाइव नहीं कर पाएंगे स्टॉक मार्केट। प्रॉफिट एंड लॉस तो होते रहता है, स्टॉप लॉस हिट होते रहते हैं, बट उससे उभर के आप प्रॉफिट में कैसे कन्वर्ट होते हो। देखो, बुरे मार्केट में भी, देखो यहाँ पे मेरा भी स्टॉप लॉस हिट होता है, बट जब ये अच्छा मार्केट है। आज भी मेरे पास कई क्लाइंट्स है कि एक क्लाइंट था जिसने मुझे पुट के सारे स्क्रीनशॉट भेजे, उसके पुट के सारे स्टॉप लॉस हिट हुए, बट पुट लेना ही नहीं था। आज गैप अप हुआ और ये प्रीवियस डे जो था, दिख रहा है ये प्रीवियस डे, ये इंपॉर्टेंट है। ये प्रीवियस डे का हाई था, देखो वहां पे डॉट उसने टच किया। ये जो प्रीवियस डे का हाई था उसको ब्रेकआउट करेगा तो मुझे बुलिश रैली मिलेगी। ये सबसे सिंपल फंडा है, उतना भी यूज करोगे तो भी प्रॉफिट मिलेगा। तो भी लोग क्यों ऐसा करते मुझे पता नहीं। तो ये था मेरा निफ्टी का एनालिसिस। और बहुत जन कमेंट में लिखते हैं, अरे भाई मार्केट होने के बाद क्यों बोलता है वो। वैसे माइंड से ऊपर का जो खाली है उनका, उनके लिए बोल रहा हूँ कि भाई पहले वीडियो देखो, बाद में कमेंट करो, प्रीवियस वीडियोस भी देख लो, ठीक है। तो ऐसे लोग क्यों कमेंट करते मुझे भी नहीं पता चलता। लेट्स सी, बट उनको आंसर देना मेरा फर्ज है, क्योंकि अरे तो लोगों को लगेगा अरे ये आंसर क्यों नहीं दे रहा, ठीक है। तो उनके लिए बस यही आंसर है कि प्रीवियस डे के वीडियो जाके देखो। अभी कल के लिए एनालिसिस मैं आज ही बता रहा हूँ। तो कल अगर मार्केट गैप अप हुआ तो मैं हक से बोल सकता हूँ कि भाई मैंने बोला था गैप अप होगा और ये लेवल से ये भागेगा। ये बैंक निफ्टी के लेवल से मेरे ऑलरेडी सब मार्किंग करके रखा हुआ है, ये ऐसे ही मार्क रहता है, कुछ उसमें है नहीं। आज मैं आज से थोड़ा सा एक्स्ट्रा बताऊंगा, क्योंकि WD ज्ञान का भी लेवल सभी आपको पता है। आज पहले क्या था, देखो उस दिन ये जो सपोर्ट लिया था यहाँ पे, इस दिन से मैं बुलिश था। ये थर्सडे को मैंने बताया था कि मैं बुलिश हूँ, वेनेसडे थर्सडे को, और मेरा टारगेट था 22,000 एंड 23,000, और ऑलमोस्ट अचीव करने आया। मतलब ऑलमोस्ट 2 डेज में उसने अच्छा खासा रैली दिया। आज क्या किया वो देखते हैं। आज क्या किया, देखो ये फिर से देखो, प्रीवियस डे के हाईज एंड लोज देखो। ये प्रीवियस डेज के ये हाईज थे, बराबर। मार्केट डायरेक्टली गैप अप हुआ और ये डॉट ये हाई को टच किया उसने, उसके नीचे कैंडल क्लोज होने नहीं दिया उसने, देख रहा है। इसको मैं 15 मिनट्स में आपको बताता हूँ तो आपको और अच्छे से समझेगा। अगर 15 मिनट्स में अगर मैं देखता हूँ यहाँ पे, तो देखो 15 मिनट ये डॉट उसने प्रीवियस डे का, तो उसके प्रीवियस डे का हाई, क्योंकि गैप अप हुआ ना डायरेक्टली, ये लेवल को भी उसने गैप अप करके, तो ये लेवल मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, ठीक है। और ये 22,400, 500 और 22,800, आज ज्ञान लेवल के हिसाब से उसने डायरेक्टली 360 ट्रैजेक्टरी लेवल कंप्लीट किया। ये मैंने कल के वीडियो में बताया था, ये 150 का स्क्वायर है 22,500, और ये 151 का स्क्वायर है, और दोनों भी स्क्वायर एक ही दिन में उसने कन्वर्ट टच कर लिए, ठीक है। और उसके ऊपर ही क्लोज हुआ है, तो एक लेवल, एक ऑर्बिट जो होता है उसने वो क्लोज कर लिया। आप जाके चेक कर सकते हो कि कौन से लेवल्स की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। और वो वीडियो जरूर देखिए प्लीज, वो बहुत इंपॉर्टेंट मैंने बताया था। वो लेवल्स कैसे फाइंड करना है वो अगले वीडियोज में मैं बताऊंगा आपको। तो आज क्या किया इसने, गैप अप किया। गैप अप किया तो आज बाय साइड कॉल साइड ही काम करना था। और वैसे भी HDFC बैंक ने आज ब्रेकआउट दिया था, तो HDFC बैंक ने अगर ब्रेकआउट दिया था, ठीक है, तो ये तो भागना ही था आज। और ये इसके लेवल के ऊपर है तो मैंने कॉल दे दिया था आज। यहाँ पे कॉल में बम्पर प्रॉफिट आज 200 पॉइंट्स बुक किया आज बहुत सारे क्लाइंट ने। एक मेरे क्लाइंट ने 50,000 बुक किया, उसका स्क्रीनशॉट मैंने डाला हुआ है। मतलब ऐसे ही नहीं बोल रहा, मैंने उसका स्क्रीनशॉट मैंने डाला हुआ है, आप जाके चेक कर सकते हो। इसके साथ अगर आप HDFC बैंक अगर देखोगे ना, तो HDFC बैंक में आपको काफी ये मिलेगा। अभी ये मेरे सॉफ्टवेयर के इंडिकेटर के हिसाब से हम लोग अगर देखें तो आज ये जैकपॉट सेटअप में था और सोने पे सुहागा सेटअप में था। देखो जैकपॉट सेटअप, फर्स्ट कैंडल ही अबव गया, तो अगर इसको हम लोग देखेंगे, एक एनर्जी कैंडल्स में अगर मैं बताऊं आपको, तो देखो ये फर्स्ट कैंडल ही आज था और ये ट्रेजेक्टरी लेवल्स के ऊपर जैसे ही वो क्लोज हुआ वहां से ही मुझे बाय करना था। और आज कहां पर भी उसने सेल सिग्नल दिया नहीं, फुल डे आज वो पूरा, क्योंकि पूरा बैंकिंग सेक्टर आज पूरा था ना। देखो ये मेरे जोन है, ठीक है। तो जब तक अभी तक किसी ने सॉफ्टवेयर का अगर ट्रायल नहीं लिया तो लोग सॉफ्टवेयर का भी ट्रायल ले सकते हैं, ठीक है।
एंड ये लेवल्स भी काफी इंपॉर्टेंट है मार्केट में. बहुत जन ने इसके लेवल्स के एक्सेल शीट बनाया है, बहुत जन ने इंडिकेटर बनाया हुआ है, बहुत जन करते. देखो हर एक जन अपना अपना कर रहा है, मैं मेरे हिसाब से कर रहा हूँ. ठीक है, तो दोज आर इंटरेस्टेड टू लर्न द गैन तो ऑप्शन का कोर्स ज्वाइन कीजिए, क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर WD गैन का ही मैं लेने वाला हूँ. तो कल के लिए भी क्या है, कल के लिए भी मार्केट मेरे लिए बुलिश ही है. अगर मैं इसको नॉर्मल कैंडल में कन्वर्ट करूँ तो ये कल के लिए मेरा बुलिश ही है. मुझे ऐसे लगता है कल फिर से गैप अप ओपनिंग हो सकता है. नहीं हुआ गैप अप, अगर यहाँ पे मुझे कुछ रिट्रेसमेंट पे, अगर 22,700 के रिट्रेसमेंट पे अगर मुझे एक बाय करने के लिए मिलता है यहाँ पे, ये एक लेवल काफी इंपॉर्टेंट है 22,700 का. ठीक है, यहाँ पे अगर और 100-200 पॉइंट नीचे अगर मिलता है तो आप बाय करके चलो, ये स्टॉप लॉस लगाओ 22,400 का. बट एज पर डेटा ऐसा लग रहा है कि गैप अप ही करेगा कल, क्योंकि ऑलमोस्ट सारे NBFC और बजाज फाइनेंस ने भी ब्रेकआउट दिया आज, मतलब उसके 3,500 के लेवल के ऊपर गया. तो इसके लिए फिर मैंने बजाज फाइनेंस भी बाय में दिया आज ट्रेड फॉर वेल्थ, मेरे जो टेलीग्राम चैनल है उस पर. तो कल अगर ये 23,000 को गैप अप ही करे डायरेक्टली कल, तो स्ट्रॉन्ग बुलिश हो जाएगा. फिर 24,000 के लिए हम लोग देख सकते हैं, क्योंकि इसका अगर डेली का एक्शन हम लोग देखेंगे तो बहुत स्ट्रॉन्ग एक्शन था. अगर आप डेली का एक्शन देखोगे, यहाँ पे देखो डेली का एक्शन, ये देखो इसको मैं हाइड करता हूँ, आपको पता चलेगा. देखो व्हाट अ एक्शन, मतलब ये 2-3 डोजी को पूरा कंप्लीटली खा गया और डायरेक्टली गैप अप किया. तो ये आइडेंटिफाई करने आना चाहिए. देखो बैंक निफ्टी यही है कि एवरी डे, अभी इस दिन ट्रेड करने जाओ तो स्टॉप लॉस, बट इस दिन ऐसे दिन में अगर ट्रेड करने जाओगे तो बम्पर प्रॉफिट आपको मिलेगा. तो वो आइडेंटिफाई कैसे करना है, सेटअप्स कैसे बनाना है, वो सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, तो कल के लिए भी मैं बुलिश हूँ, क्योंकि आज पर अगर OI डेटा अगर हम लोग देखेंगे, ये देखो OI डेटा क्या बोल रहा है, आप ही बताओ भी. जैसे निफ्टी का था वैसे ये तो स्ट्रांग दिख रहा है, ये सारे अप है. देखो लॉन्ग बिल्डअप हुआ है कहाँ तक, 23,800 लॉन्ग बिल्डअप है, और यहाँ पे शॉर्ट बिल्डअप हो चुका है. ये लॉन्ग है, कॉल साइड लॉन्ग हुआ है मतलब बुलिश है, पुट साइड शॉर्ट बिल्डअप है मतलब बेरिश है. मतलब बेरिश जो था सिनारियो वो बुलिश में कन्वर्ट हो चुका है, मतलब जो पुट शॉर्ट करके बैठ है इसका मतलब कि मुझे बुलिश सिनारियो, मतलब दोनों का मतलब एक ही होता है, इधर कॉल बाय किया और इधर पुट शॉर्ट किया है, मतलब बुलिश सिनारियो है. तो इसको इन डेप्थ में हम लोग ट्रेनिंग में देखेंगे, बट ये एज पर ओवर डेटा भी तो ये बुलिश ही है. ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया रहेगा तो आप जरूर लाइक और कमेंट करना मत भूलिए. थैंक यू.